दोस्तों अगर आप लोग YouTube पे वर्क कर रहे हो, YouTube वीडियो बनाते हो, तो आपको पता होगा कि कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, कॉपीराइट क्लेम क्या होता है। तो दोस्तों आज जो YouTube अपडेट लेके आया है वो कॉपीराइट से रिलेटेड एक इतना अच्छा अपडेट लेके आ चुका है जिसको सुनने के बाद आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में डिटेल पे एक्सप्लेन करूंगा कि जो गाइज यूट्यूब पे अपडेट आया कॉपीराइट से रिलेटेड वो कैसे वर्क करेगा, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा, चैनल पे पहली बार हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन वाले बेल को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे यूजफुल कंटेंट वगैरह लेके आते रहते हैं। सो दोस्तों चलिए वीडियो को हम तो जो यूट्यूब कॉपीराइट रिलेटेड अपडेट लेके आ चुका है उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या हमको उससे प्रॉफिट होने वाला है। जैसे गाइस क्या होता था कि जैसे हम लोग पहले अपनी वीडियो वगैरह शूट करते थे, वीडियो हम लोग एडिट करते थे और उसमें हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज करते थे। जैसे वीडियो देखते देखते आप लोग देखते होंगे कि बैकग्राउंड म्यूजिक बजती रहती थी, उससे क्या होता था गाइस कि उससे कॉपीराइट क्लेम आता था। और जो भी गाइस कॉपीराइट क्लेम आने से क्या होता था कि जो भी प्रॉफिट होता था हमको उस वीडियो से, तो गाइस जिसका भी हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह यूज कर रहे हैं पूरा प्रॉफिट गाइस उसको होता था, मतलब पूरे पैसे गाइस उसको मिलते थे हमको उस वीडियो से, एक रुपए भी नहीं मिलता था अगर कॉपीराइट क्लेम आ गया है तो। तो आज के इस अपडेट में गाइस कॉपीराइट क्लेम की बिल्कुल झंझट खत्म हो गई है। आप लोग कोई भी अपने बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज कर सकते हो, कोई भी सॉन्ग अपने बैकग्राउंड म्यूजिक पे आप लोग लगा सकते हो, बिल्कुल कॉपीराइट क्लेम नहीं आने वाला है। और कॉपीराइट स्ट्राइक में क्या होता था गाइस कि आप लोग किसी की कॉपी वगैरह कर रहे हो, किसी का मान लो वीडियो वगैरह आप लोग कॉपी करके अपने चैनल पे अपलोड कर दे रहे हो तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक देते थे। इससे गाइस अगर आपको 3 महीने के अंदर अगर आपके चैनल पे 3 स्ट्राइक वगैरह आ जाती थी तो इससे आपका चैनल वगैरह गाइस डिलीट हो जाता था। गाइस कॉपीराइट स्ट्राइक से रिलेटेड कोई भी अभी तक अपडेट नहीं आया है, लेकिन गाइस जो ये अपडेट अभी आया है कॉपीराइट क्लेम से लेके कि जो भी प्रॉफिट होगा वो पूरा प्रॉफिट आप लोग का होगा, मतलब जिसका आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते थे उसको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये अपडेट गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जितने भी क्रिएटर्स यूट्यूब पर वर्क कर रहे हैं गाइस वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए होंगे इस अपडेट को सुनने के बाद, क्योंकि दोस्तों जितने भी क्रिएटर्स हैं उनका पूरा पैसे वगैरह उसको मिलता था गाइस जिसका हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह यूज करते थे। और गाइस यूट्यूब के पेज पे क्रिएटर गाइड पे ये चीजें भी आई हैं कि यूट्यूब अभी गाइस और अपडेट लेके आएगा कॉपीराइट से रिलेटेड, तो अब पता नहीं कैसे अपडेट लेके आने वाला यूट्यूब कॉपीराइट से रिलेटेड। तो गाइस जो भी यूट्यूब अपडेट लेके आएगा वो आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलेगा, मैं वीडियो वगैरह बनाऊंगा तो उसके लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, साथ ही नोटिफिकेशन वाले बेल को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम जो भी वीडियो वगैरह बनाएंगे उसको नोटिफिकेशन अगर आप लोग के पास आएगा तो आप लोग उसको वॉच करोगे, उसको आप लोग देख सकते हो कि मतलब YouTube क्या क्या चीजें लेके आ रहा है, क्या क्या अपडेट लेके आ रहा है। YouTube से रिलेटेड कोई भी अगर वीडियो आती है तो हमारे चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगी, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और जो भी अभी अपडेट आने वाले हैं उसकी भी वीडियो जल्द ही आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे अपडेट आएगा वैसे ही मैं वीडियो वगैरह बना दूंगा। सो आई होप गाइस आपको ये अपडेट वगैरह काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये अपडेट वगैरह अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे पहली बार हो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन वाले बेल को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।